Good morning, students. I hope you all are very well and healthy. Today we are talk about the topic of conduction, convection and radiation. सबसे पहले हम बात करते हैं conduction की. ये जो तीनों topic हैं, ये जो तीनों three method हैं different, जिसमें heat जो है वो एक object से दूसरे object में, यानी heat transfer जो होता है high level to low level, यानी high temperature to low temperature की तरफ heat जो move करती है, तो उसके heat का जो transfer होता है वो three method से होता है, conduction method के through, convection के through and radiation के through. अगर हम कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन मोस्टली जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है. लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड और एयर की हम बात करें, उनमें कॉन्वेक्शन के थ्रू होता है. एंड अगर हम बात करें रेडिएशन के थ्रू, जो सन से हम तक लाइट पहुँचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है. यहाँ पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट रेडिएशन जो है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट है वो ट्रांसफर करती है, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन. मान लीजिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेटल का बना हुआ है. कंडक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हीट को कंडक्ट करना चाहिए, यानी अच्छा इसका कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर. अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, हम क्या करेंगे, एक आयरन की रोड लेते हैं, एक लॉन्ग स्टिक लेते हैं आयरन की, और हम उसका जो एक एंड है, यहाँ पे जो एक टर्मिनल है, इसको हम हीट देते हैं थ्रू कैंडल. कैंडल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, और यहाँ से हम इसको पकड़ के रखते हैं. कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा जो एंड है, जो इसका लास्ट जो एंड है ये वाला, यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे हैं, ये गर्म हो रहा है. हीट देके यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर है कम. तो जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है. अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम. तो यहाँ पे इस तरह से जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, और यहाँ पे हीट अपने आप ही हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है. ध्यान रखें, इन तीनों में जो मेन डिफरेंसेस इनमें जो हैं वो फर्स्ट यही है कि कंडक्शन मेथड में जो है हीट अपने आप ही हाई लेवल टू लो लेवल, यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है. तो यहाँ पर जो आयरन की जो रॉड है, ये कुछ टाइम के बाद इसका जो दूसरा एंड है वो गर्म लगने लग जाता है. तो यहाँ पे गर्म तो हम इस टर्मिनल को कर रहे हैं, लेकिन ये भी इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ से जो ये आयरन रोड है, इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर फ्लो करता हुआ दूसरे एंड तक जाता है, और कब तक जाएगा, जब तक कि इस पूरे का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. तो ये जो हीट ट्रांसफर का ये जो मेथड है, ये है कंडक्शन मेथड. मोस्टली सॉलिड के अंदर ये होता है, और इसमें कंडक्शन में हीट है वो अपने आप ही हाई लेवल से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है. सेकंड हम बात करें कॉन्वेक्शन की. कॉन्वेक्शन में हीट जो है वो अपने आप ही हाई लेवल टू लो लेवल मूव नहीं करती. जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो उसे अपने साथ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ लेकर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एयर की बात करें, या हम बात करें जैसे सर्दी का टाइम है, हम क्या करते हैं, हीटर को चालू करते हैं या फिर सिगड़ी वगैरह चलाते हैं, तो हम दूर बैठे रहते हैं, फिर भी हमें जो है हीटर को हमने जला रखा है, उसकी जो हीट है, हम दूर रहते हैं फिर भी हम तक आती है. तो जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हाँ हीटर जला रखा है, हीटर ऑन कर रखा है, उसके आसपास की जो एयर है वो हीट की वजह से गर्म होती है, और जो एयर के जो हाई टेम्परेचर के जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी वेट, पहले तो जो ठंडी एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी वेट होते हैं, और जैसे ही इसको हीट मिलती है, हीट मिलने पर एयर के पार्टिकल्स लाइट वेट हो जाते हैं, लाइट वेट होकर वो ऊपर की तरफ चारों तरफ मूव करते हैं. तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें कॉन्वेक्शन की, तो गैस एंड लिक्विड के अंदर जो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होता है ये होता है कॉन्वेक्शन के थ्रू. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हीटर का है. सेकंड अगर हम देखें, तो मान लीजिए हम कोई ट्रांसपेरेंट कोई भी बीकर लेते हैं, या मान लीजिए ये बीकर है, इसमें हमने कुछ वाटर ऐड किया है, और इसमें कुछ जो है हमने चाय पत्ती डाल दी, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इसके एक चम्मच भर के यहाँ पे चाय पत्ती डाल दी. अब हम क्या करेंगे, इसको हम बर्नर के थ्रू इसको हीट देंगे. तो हीट देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जो कलर है इसका चाय पत्ती का, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से इसमें बनता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे जो इस तरह से जो वेव्स टाइप की जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये एक्चुअल में जो है
ये जो यहाँ पे जो चाय पत्ती हमने इसमें वाटर में ऐड किया है, हम इसको हीट दे रहे हैं, तो यहाँ की जो वाटर की जो पार्टिकल है उनको हीट मिल रही है, हीट मिलने पे वो लाइट वेट हो रहा है और लाइट वेट होकर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से जो वाटर के जो कोल्ड पार्टिकल है जो कि हैवी वेट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कलर की जो इस तरह से वेव्स हमें दिख रही हैं, ये एक्चुअल में जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ एंड कोल्ड वाटर नीचे की तरफ मूव करने से बनता है। तो यहाँ पे जो हीट है इसको वाटर की जो पार्टिकल्स है जो एटम्स इसके जो हैं ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये इसको वाटर जो टेम्परेचर है इसको जैसे ही टेम्परेचर इनका बढ़ता है ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ऊपर का जो वाटर है जो कि ठंडा है और इसका ठंडा होने की वजह से वो हैवी वेट है तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये हीट ट्रांसफर का कॉन्वेक्शन है, यहाँ पर हीट अपने आप ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऑटोमेटिक खुद ही मूव करती है, लेकिन यहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हीट को मूव करवाते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो कुछ भी है, जैसे मान लो जो हम हीट दे रहे हैं किसी भी चीज़ से, ले मान लीजिए लकड़ी हमने जलाई है, कोयला जलाया, तो उसके आसपास की एयर जो होगी हीट की वजह से गर्म होगी, गर्म होगी वो लाइट वेट हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी, तो जो एयर है वो इस टेम्परेचर को लेके जा रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो टेम्परेचर है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्शन मेथड है इसमें मीडियम के पार्टिकल जो है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, जबकि कंडक्शन में हीट अपने आप ही हाई टू लो जो है टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। थर्ड मेथड जो है वो रेडिएशन है। रेडिएशन में किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम रेडिएशन का एग्जांपल देखें, सनलाइट हम तक आती है तो उसमें जो हीट है वो हम तक पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम अर्थ और सन के बीच की बात करें तो इस जो ये जो गैप है इसमें कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ना सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी नहीं है, फिर भी जो सनलाइट है हम तक आ रही है, उसकी हीट हम तक पहुंच रही है। तो हीट ट्रांसफर का ये जो मेथड है ये रेडिएशन होता है, और अगर हम बात करें रेडिएशन की तो यहाँ पे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो हीट होगी वो रेडिएशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगी। तो हीट ट्रांसफ़र की ये जो थ्री अलग अलग जो मेथड हमने देखे, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों ही अलग अलग मेथड है जिनके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। और आज के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको कंडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल का। आप कोई भी एक एक्टिविटी, जैसे ये वाली एक्टिविटी है या बुक में आपकी दूसरी एक्टिविटी दे रखी है, तो आप किसी भी एक्टिविटी के थ्रू कंडक्शन जो मेथड है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।